हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं बरसाना धाम गई थी तो वहाँ की वीडियो आजकल आपको मिल रही हैं। तो अब ये एक और वीडियो है जो है राधा रानी के दर्शन की, और हमने वहाँ पे क्या क्या किया, कैसे भंडारा किया, कैसे हमने राधा रानी के दर्शन किए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए, वीडियो शुरू हो गई है और यहाँ पे अभी हम आ गए हैं। समय हो रहा है 8 बजे हमारा यहाँ पे भंडारा लग चुका था। तो देख लीजिए, भंडारे में हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है क्योंकि आपको पता है अर्जेंट में प्लानिंग हुई थी, तो पूरी सब्जी जो हम पहले बनाते थे हलवा वगैरह वो नहीं हुआ है। सूखा राशन हमने राधा रानी की बधाई बांटने की यहाँ पर प्लानिंग की है। तो सबसे पहले है जल सेवा अभी हो रही है। यहाँ पर भीड़ आपको दिख ही रही होगी कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ये एक ठिकाना मिला है हम लोगों को बांटने के लिए अर्जेंट में। अगर हमारी मौसी जी यहाँ पे नहीं होती तो शायद ये भी नहीं मिल पाता हमें यहाँ पे, क्योंकि इस समय पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर ठिकाना मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि लोग एक एक महीने पहले से यहाँ पर बुकिंग कर देते हैं अपने भंडारे के लिए, और हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो गई थी। तो इसलिए हमें जो जहाँ पे हमने बुकिंग की थी वहाँ पे हमें वो बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, और ये अर्जेंट में मौसी जी ने यहाँ पे भंडारा लगवाया है। तो देख लीजिए, पहले हमने यहाँ पे जल सेवा करी थी, जल सेवा यानी कि पानी बांटा था हमने यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद फ्रूटी एप्पी बिस्किट और टॉफ़ी वगैरह जो भी बच्चों की खाने की चीज़ें होती हैं, और फल भी बांटे थे थोड़े से हमने यहाँ पे, केला हो गई जैसे कि। तो बहुत कुछ हमने जो भी हमसे मतलब बन पड़ा अर्जेंट में वो हमने किया है, क्योंकि आज के दिन जो होती है राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म की बधाई बढ़ती है। तो अभी हम यहाँ पे बधाई बांट रहे हैं राधा रानी के जन्म की, और यहाँ पे ढोल वाले भी आए थे, हमने ढोल भी बजवाया था अपनी राधा रानी के लिए। जितना भी हमसे बन पड़ा, राधा रानी हमेशा हम पर इसी तरह कृपा बनाए रखे अपनी, और हम हमेशा राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहें। बस ऐसी कामना मैं करती हूँ अपनी राधा रानी से। तो चलिए, वीडियो आप ही देख ही रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जो भी हम सामान हमने रात में इंतजाम कर लिया था सारा, जो भी हमें सुबह बांटना था, और जितना भी हमने इंतजाम किया वो उसे बंटने में एक तो क्या आधा घंटा भी नहीं लगा हमें यहाँ पे उसे बांटने में। तो अभी यहाँ पे भंडारा बंद हो गया और दोबारा से हमने व्यवस्था की है सामान की। अब दोबारा जाके सामान आया है और फिर से हम यहाँ पर बांटना शुरू कर रहे हैं। और देखिए, ढोल भी मैंने बजवाया है अपनी राधा रानी के लिए। तो देखिए, ये आज खुशी का दिन होता है, बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं लोग यहाँ पे, और जो जो राधा रानी को मानते हैं और वहाँ जाते हैं तो उनको पता है कि आज के दिन का जो महत्व है वो क्या है। तो चलिए, भंडारा जो हमारा था वो अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे, और जो भी सामान था वो हमने बांट लिया है। और यहाँ पर बरसाने के जो बच्चे हैं वो इतने शैतान हैं कि जो बाहर की पब्लिक थी उनको तो कुछ लेने ही नहीं दे रहे थे, बस बार बार हिर फिर के वही एक एक बच्चे ने कम से कम 10 से 20 बार लिया होगा, और बैग टांग रखे थे उन्होंने, तो बस बैग में डाला खाने पीने का, सूखा राशन था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो बांटना ही था, चाहे एक बार ले कोई या 10 बार ले, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाहर की जो पब्लिक थी उसको बड़ी मुश्किल से सामान हमने दिया लंबा हाथ कर करके आगे के लिए। आपको दिख ही रहा होगा भीड़ में कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ये हमारी मौसी जी हैं जो हमारी यहाँ पे फुल हेल्प करती हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो शायद हमारा यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं हो पाए जैसे कि हम अर्जेंट में चले जाते हैं। तो देखिए, मौसी जी हैं, उनके बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, मम्मी जी हैं हमारी, और बच्चे इतने शैतान हैं। ये देखिए, ऊपर जहाँ पर बाँट रहे थे, एक दुकान है, ये हमने खाली करवाई थी यहाँ पर बाँटने के लिए, तो ये दुकान में ही घुस गए। अगर इनका चल जाए तो अंदर से जाके सामान ले आएँ, यानी कि इस समय पे बच्चे इतने शैतान हो गए कि शायद जो बंदर होते हैं ना, बंदरों की जो शैतानी होती है वो भी इनके आगे कम पड़ गई, इतने शैतान ये बच्चे हो गए इस समय पे। और क्योंकि हम राधा रानी के उसमें हैं तो हम इनसे कुछ कह भी नहीं सकते, इनको डांट नहीं सकते, क्योंकि हम राधा रानी की शरण में हैं, राधा रानी के चरणों के नज़दीक हैं हम। तो बस जैसे भी हो पाई, जितनी भी हो पाई जल्दबाजी में, मैं राधा रानी की सेवा मैंने यहाँ पर दी है, उनकी बधाई बाँटी है। और देखिए, ये भी सामान जो था लगभग हमारा फिनिश होने वाला ही है अब, और उसके बाद हम चलेंगे सीधे राधा रानी के दर्शन के लिए महल पे। राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ के मैं दर्शन कराऊंगी आपको, अगर हो सका अंदर, अगर कैमरा ले जाना
अलाउ हुआ तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, आपको दर्शन कराऊंगी। वैसे तो वहाँ पे ले जाने नहीं देते हैं, बाहर ही कैमरे को बंद करवा देते हैं, कैमरा अंदर नहीं चलते हैं फ़ोन वगैरह, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इस समय तो शायद मुश्किल ही है बहुत ज़्यादा। जैसे कि कभी नॉर्मल समय में आते हैं तो उस समय तो अंदर ले जाते हैं, अगर हो सका तो मैं आपको ज़रूर दर्शन कराऊंगी। तो देखिए भीड़ देखिए आप, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। जैसे कि आपको पता है कोरोना काल है, कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, सिर्फ थमा हुआ है, तो यहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा सिवाय हमें छोड़ के, बस हमने ही लगाया था यहाँ पे मास्क। कोई नहीं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। और यहाँ पे देखिए अभी हम चल पड़े हैं, भंडारा हमारा हो गया है, तो अभी हम चल पड़े हैं राधा रानी के दर्शन के लिए। और राधा रानी के जो दर्शन हैं हम करेंगे परिक्रमा के साथ, पहले हम परिक्रमा लगाते हुए जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, साकरी खोर है इस जगह का नाम, साकरी खोर। यहाँ पे दही मटकी फूटती है, शायद 13 या 14 में यहाँ पे दही की मटकी फूटती है जन्माष्टमी के बाद। तो देखिए अभी हम आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत ही पतला रास्ता है, सिंगल आदमी भी बहुत मुश्किल से निकल पाता है, और उसी की वजह से ये इतनी भीड़ है। तो पब्लिक पहाड़ के ऊपर से चढ़ चढ़ के निकल रही है, तो जैसे तैसे हम भी यहाँ से निकल ही गए कड़ी मशक्कत के साथ। तो चलिए अभी साकरी खोर से हम पार हो चुके हैं, और ये जगह जगह आपको रास मिलेंगी देखने के लिए, रास रचा रहे हैं सखी जो हैं राधा रानी की, वो रास करती हैं यहाँ पे। तो अभी हम परिक्रमा देते हुए राधा रानी की महल की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलो राधे राधे, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो श्यामा प्यारी की जय, बोलो मेरी राधा रानी की जय। तो अभी हम आ गए हैं, महेश बाबा का आश्रम है ये, मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनकी मैंने कभी फ़ोटो भी नहीं देखी है, लेकिन नाम सुना है। ये बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पे, रमेश बाबा का, सॉरी महेश नहीं, रमेश बाबा का ये आश्रम है। तो और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें रमेश बाबा की सखी रहती हैं, जो भजन कीर्तन करती हैं, वो इसी में रहती हैं रात में। दिन में वो आराम करती हैं और रात में वो भजन कीर्तन करती हैं, जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी के साइड से ये जा रहा है रास्ता राधा रानी के महल के लिए परिक्रमा वाला। अभी हम परिक्रमा मार्ग से जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अभी घेवर वन, घेवर वन का जो कुंड है उसके भी आपको मैं दर्शन कराऊंगी यहाँ पे। तो देखिए अभी समय जो हो रहा है 9 के करीब का होगा, करीब 9 बजे के करीब है, 9:30 बजे का। और देखिए यहाँ पे पुलिस पूरी तैनात है ताकि कोई इस कुंडा में अंदर ना जा पाए। पहले एक समय था कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और पब्लिक इसमें नहाती थी कुंडा में, लेकिन एक दो हादसे ऐसे हो गए जिसके बाद से सरकार ने यहाँ पे रोक लगा दी है, और किसी को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, बस बाहर से दर्शन कीजिए। और ये देखिए मेरी लाडली जू राधा किशोरी कैसी जा रही हैं ट्रॉली में बैठ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको मैंने दर्शन कराए घेवर वन के, घेवर कुंड के, इस घेवर वन है इस जगह का नाम। तो चलिए अभी हम पहाड़ के बीच से होते हुए परिक्रमा मार्ग से जा रहे हैं, राधा रानी के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमारी मम्मी जी, और पहाड़ की चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ी सी सांस भी यहाँ पे फूल जाती है, ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि दोनों तरफ से पहाड़ हैं और बीच से रास्ता जा रहा है परिक्रमा वाला। और यहाँ पे अरुण और ये राधा रानी की सखी पीले वस्त्र में, तो ये अरुण को थोड़ी सी यहाँ पे मजाक कर रही थी, तो अरुण इधर उधर कैमरा घुमा रहा था, जिस तरफ कैमरा घुमाए उसी तरफ ये आ जाती सखी। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह भंडारे लगे हैं राधा रानी के, और अभी तो भीड़ आधी भी नहीं है। अगर मैं आपको रात को दिखाती यहाँ पे तो मैं शायद नहीं दिखा पाती, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, ऐसे समझो कि यहाँ पे अपनी जान बचानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मुझ जैसे तो नहीं आ पाते, अब नहीं आ पाते, पहले तो मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ पे, रात में ही दर्शन किए हैं मैंने, पहली बार है कि मैं दिन में दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों मेरी सांस फूल जाती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में मुझसे नहीं जाया जाता, तो इसलिए मैंने इस बार सुबह दिन में दर्शन किए हैं राधा रानी के, रात में नहीं किए। और देखिए राधा रानी पूरा मतलब पूरी परीक्षा ले रही है यहाँ पे, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, और हमें खबर यहाँ से लगी थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बरसाना में, लेकिन हमें आते ही यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धूप है। और धूप में जो है मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, धूप मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और अभी हम आ गए हैं राधा रानी के महल पे, तो राधा रानी का जो मंदिर है उसके बैक साइड हैं अभी हम, और आगे से होते हुए जाएंगे दर्शन करने के लिए। देखिए तो यहाँ पे सखी हैं, सखी को थोड़ी दान दक्षिणा दे रहे हैं, यहाँ पे सखी बैठी हैं राधा रानी की, उनको थोड़ा दान पुण्य जो भी अपने हाथ से हो जाए, धर्म कर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको भगवान से मिलाता है। तो देखिए अभी हम भीड़ देखिए, नीचे से अगर हम जाएंगे तो कम से कम हमें
2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो ये एक हमने शॉर्ट रास्ता यहाँ से लिया है। जैसे कि आपको पता है मौसी जी हैं साथ में, तो मौसी जी को पता है शॉर्ट रास्ते कहाँ कहाँ से जाते हैं यहाँ के, तो उनके साथ हम दर्शन करके अभी बाहर आ गए हैं राधा रानी के। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कैमरा अंदर नहीं ले जाने दिया है। तो बस ये एक और शॉर्ट रास्ता है यहाँ से जिससे हम उतर रहे हैं नीचे। अगर इस रास्ते को नहीं लेते हैं तो कम से कम हमें 3 से 4 किलोमीटर और 300-400 किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड्स, यही थी वीडियो, छोटी सी राधा रानी के मंदिर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।